हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ओके, तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में एवोगैड्रो नंबर पे बात की थी कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, और हम लोगों ने बात की अपनी लास्ट क्लास में कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मैस गिवन है तो हम लोग उस में से या उसके अंदर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का मैस गिवन है तो हम लोग एटम्स की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल का मैस गिवन है तो हम लोग मॉलिक्यूल्स की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी आयनिक कंपाउंड का मैस गिवन है तो हम लोग फार्मूला यूनिट्स की तादाद को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास किसी आयन का मैस गिवन है तो हम लोग आयंस की तादाद को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एवोगैड्रो नंबर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ रिलेशनशिप को देखा। तो आज उसी से रिलेटेड हमारी इसी चैप्टर के अंदर एग्जांपल नंबर 8 है, जिसको अभी की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 8 को। तो एग्जांपल नंबर 8 क्या है? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। आइस की कंपोजिशन क्या होती है? बर्फ, जिसको बोलते हैं हम लोग। ये भी H2O ही है, वाटर ही है। तो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, यानी आपसे मॉलिक्यूल्स की तादाद पूछ रहे हैं। और आपको गिवन कितना किया जा रहा है मैस? 10.0, मतलब 10 ग्राम। तो 10 ग्राम आपके पास आइस है और आपसे पूछ रहे हैं कि 10 ग्राम आइस में से हम लोग को बता दो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो ये इसका ए पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन के अंदर और भी चार पार्ट्स हैं। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। तो दूसरा पार्ट में है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका सेकंड पार्ट हो गया कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, ये भी हम लोगों ने बताने हैं। एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये भी हम लोगों को बताने हैं। तो ए पार्ट, बी पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया इसका सी पार्ट। तीन हिस्से हो गए। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जब हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लेने हैं, तब हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बताने हैं। तो ये इसका डी पार्ट हो गया। और ई पार्ट जो लास्ट में है, एंड कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल, और इस सैंपल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके बताने हैं। तो सबसे पहले इसका पहला हिस्सा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मैस ऑफ आइस ये गिवन है, मैस ऑफ आइस कितना है? 10 ग्राम है। अब आइस क्या है? वाटर ही है। इसकी कंपोजिशन दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो इसका मोलर मैस कितना है? वाटर का मोलर मैस ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 ऑक्सीजन का 2 इसका, तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। तो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हमारे पास मैस ऑफ वाटर, जो कि ग्राम्स में गिवन है हमारे पास, इन ग्राम्स, ये हम लोगों ने लिखना होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर, मोलर मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23। तो मैस ऑफ वाटर जो हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल में कितना है? 10, डिवाइडेड बाय मोलर मैस हमने फाइंड आउट करना खुद से 18, मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10^23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के, वो फाइंड आउट हो गए। हमने ए पार्ट को जो है वो सॉल्व कर लिया। कौन से पार्ट को सॉल्व किया? कि यहाँ हम लोगों ने ए पार्ट को सॉल्व किया। तो अभी हम लोग बी पार्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो बी पार्ट के अंदर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं और फिर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। तो बड़ी कॉमन सेंस है, सिंपल सी बात है।
वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर हमारे पास पानी का एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? आप लोग देख लें, खुद से देख लें, अगर एक मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर का है तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है? दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो दो एटम है हाइड्रोजन। लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं कितने? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23, हमारे पास इतने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, अगर हमारे पास 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन, तो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितनी हाइड्रोजन होगी? हम लोग दो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये हमारे पास बी पार्ट है। इस तरीके से जब सी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सी पार्ट में हमसे पूछा कि ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद भी बतानी है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम्स। तो पानी का अगर एक मॉलिक्यूल है तो कितनी ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है, तो लिखेंगे वन। और हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कितने? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23, इतने सारे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23, इतने सारे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स में से अगर ऑक्सीजन की तादाद हमने फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, ऑक्सीजन एटम्स इनकी तादाद जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, डी पार्ट में हमसे पूछा गया कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं सॉरी, डी पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखें, एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास वाटर का है तो उसमें कितने एटम्स हैं? दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, तीन एटम्स हैं। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन के एटम्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं, ऑक्सीजन के एटम्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं टोटल एटम्स बताओ, टोटल एटम्स कितने होंगे? तो हम लोग बड़ी सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, तो 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो 6.68 प्लस 3.34 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। लास्ट वाला पार्ट है कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल। सैंपल क्या है हमारे पास? वाटर है, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमने बताने हैं। तो आप लोग वाटर के स्ट्रक्चर को थोड़ा ड्रॉ कर लो इस तरह से, ये देखें, अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं आपको? दो कोवेलेंट बॉन्ड हम लिख सकते हैं ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? दो हैं, दो। हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं कितने? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23, इतने सारे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे? तो सिंपली इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं।
तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो कोवलेंट बॉन्ड है, इतने सारे मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, दो को मल्टीप्लाई कर दो 3.34 × 10⁻²। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.68 × 10⁻²। ये नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फाइंड आउट हो जाए। कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा।